यूट्यूब चैनल जोधपुर वाली। सो गाइस, अगर आप जोधपुर घूमने का प्लान बना रहे हैं और आपको डाउट है कि आपको जोधपुर घूमने के लिए एक दिन चाहिए या दो दिन चाहिए, आपको जोधपुर में खाना क्या है, शॉपिंग क्या करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपके जो भी डाउट है सारे मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। मैं आपको जोधपुर घूमने से लेकर सारी डिटेल्स आपको बताने वाली हूँ कि आपको मतलब बैग पैक करने से लेकर क्या क्या करना है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले बैग पैक करने के बाद आपको पहुंच जाना है जोधपुर रेलवे स्टेशन या फिर जोधपुर एयरपोर्ट। रेलवे स्टेशन से 1 घंटा घर लगभग 3 किलोमीटर है और एयरपोर्ट से लगभग 5 किलोमीटर, क्योंकि सस्ते होटल्स के ऑप्शन आपको यहीं पे मिलेंगे। वेलकम टू द जोधपुर। तो गाइस, आज मैं आपको जोधपुर पूरा घुमाने वाली हूँ। एक्चुअली आज नहीं, मैं आपको 2 दिन में पूरा जोधपुर घुमाऊंगी। मैं 2 दिन में आपको बताऊंगी कि आपको यहाँ क्या खाना है, यहाँ घूमने की कौन कौन सी जगह है। तो शुरुआत कर रहे हैं हम यहाँ के सबसे फेमस प्लेस, मतलब यहाँ के मेन मार्केट से, जो कि है घंटाघर। बट अभी सुबह का 10 बजा है इसलिए हम यहाँ आए हैं, क्योंकि 12-1 बजने के बाद यहाँ इतना ट्रैफिक होता है कि आप आ नहीं सकते। तो हम यहाँ पहले घंटाघर देखेंगे, उसके बाद मैं आपको सूर्य का झंडा लेके चलूँगी, फिर हम यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद हम घर चलेंगे। तो चलिए गाइस, अब यहाँ घंटाघर देखिए, हम सूर्य का झंडा चलते हैं। पर वहाँ जाने से पहले मुझे कुछ खाने का चाहिए, क्योंकि वहाँ कुछ खाने का नहीं मिलेगा। गाइस, अब हम घंटाघर से निकल के जा रहे हैं शाही समोसा खाने। चलिए हम आपको पहले शाही समोसा खिलाते हैं। हम सुबह सुबह शाही समोसा खा रहे हैं क्योंकि ये शॉप घंटाघर के बिल्कुल पास में है, आप वॉक करके आराम से इस पे जा सकते हैं। इस समोसे का प्राइस है 24 रुपीज और इसके साथ आपको कोई भी चटनी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो उसमें आलू भरा होता है उसमें खट्टा मीठा सा कुछ टेस्ट होता है। समोसा खा लिया है और अब हम जा रहे हैं जनता स्वीट होम, क्योंकि हमारा पेट भरा नहीं है, तो हम वहाँ पे खाएंगे, पता नहीं क्या खाएंगे, जो भी खाएंगे आपको दिखाएंगे। चलिए आपको जनता स्वीट होम लेकर चलते हैं। तो वैसे तो समोसा काफी अच्छा था, पर एक समोसे से पेट नहीं भरा, तो हमने डिसाइड किया कि हम जनता स्वीट होम चलते हैं और वहाँ पे ब्रेकफास्ट ट्राई करते हैं। तो यहाँ हम ट्राई कर रहे हैं प्याज कचौड़ी और मिर्ची वड़ा। सो गाइस, मिर्ची वड़ा का प्राइस है 20 रुपीज और प्याज कचौड़ी का प्राइस है यहाँ पर 25 रुपीज। प्याज कचौड़ी में प्याज नहीं है, ये देखो। प्याज कचौड़ी और मिर्ची वड़ा तो ठीक है, पर अगर आप जनता स्वीट होम आए हो तो इनकी शुद्ध देसी घी में बनी हुई जलेबियां ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना। अब हम जा रहे हैं तूर जी का झालना देखने। जनता स्वीट होम है तो जोधपुर में अपने फर्स्ट डे में हम घंटाघर जाएंगे, तूर जी का झालरा जाएंगे और शाम को मंडोर गार्डन जाएंगे, उसके बाद रात में हम शॉपिंग करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके टिकट प्राइस से, जिसका प्राइस है 0 रुपीज। मतलब यहाँ आने के लिए आपको कोई भी टिकट नहीं लेना पड़ता है और ये 24 घंटे खुला रहता है, आपका जब मन करे तब आप यहाँ आइए। पर मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आपको यहाँ पर सुबह या शाम में आना है, क्योंकि दोपहर में यहाँ बहुत धूप होती है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। और अब बात करेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसका निर्माण आखिर किसने कराया और किस लिए शहर के बीचों बीच इतने बड़े कुएं का निर्माण कराया गया। तो निर्माण कराया महाराजा अभय सिंह की महारानी तुंवर जी ने, जिस कारण इसका नाम तूर जी का झालरा पड़ गया। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ की इस कुएं का निर्माण किसी महाराजा ने नहीं बल्कि महारानी ने करवाया है, क्योंकि पहले के समय में पानी से रिलेटेड सारे कार्य महिलाओं को करने पड़ते थे, पानी लाना, इकट्ठा करना। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। बहुत ज्यादा प्री वेडिंग शूट से देखकर बहुत मजा आ रहा है, हमने मतलब करीब 2 घंटा यहाँ गुजार दिया है। पर यहाँ आने के लिए आपको सुबह जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ धूप आ जाएगी तो आपको बहुत बेकार लगेगा। तो अभी हम यहाँ बहुत देर बैठ चुके हैं, हम जा रहे हैं, हमको धूप लग गई है तो हम घर जा रहे हैं। तो यहाँ बहुत देर बैठ लिए, चलिए अब फिर से घंटाघर चलते हैं। तूर जी का झालरा घूम के वापस आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं लस्सी ट्राई करने। बट ना, हम मसूरी लाल की लस्सी नहीं ट्राई करने वाले हैं, दूसरी लस्सी ट्राई करेंगे जो कि यहाँ घंटाघर के पास है, क्योंकि इसका प्राइस 30 रुपीज़ है और मसूरी लाल वाली का 50 रुपीज़ है और दोनों के टेस्ट में ना कोई भी फर्क नहीं है, तो इसलिए आज हम दूसरी लस्सी ट्राई कर रहे हैं, मसूरी लाल की बहुत। तो वैसे तो जोधपुर में आप अगर लस्सी का नाम लेते हैं तो आपको सबसे पहले दिमाग में जो आएगा वो है मिस्री लाल, पर आप किसी भी दुकान से ट्राई करिए, आपको सेम टेस्ट मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो जहाँ प्राइस कम हो आप वहाँ आराम से ट्राई कर लीजिए और इसे एंजॉय करिए घंटाघर के प्यारे से व्यू के साथ। चलिए अब घर चलते हैं, आज के लिए बहुत हो गया चेंज वेंज करके, अब हम शाम को चलेंगे मंडोर गार्डन, क्योंकि वहाँ पर होता है नाइट शो, तो उसके लिए हमें शाम को चलना पड़ेगा। तो गाइज, अभी बज चुके हैं शाम के 4 और अब हम आ चुके हैं मंडोर गार्डन, जो कि
जोधपुर सिटी से लगभग 12 किलोमीटर है। यहाँ आने के लिए आप ऑटो बुक कर सकते हैं, आपके पास खुद का व्हीकल है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप रैपिडो बाइक, रैपिडो ऑटो कुछ भी बुक करके आराम से आ सकते हैं। और गाइज अगर बात करें इसके एंट्री टिकट की, तो केवल गार्डन में एंटर करने का प्राइस है 10 रुपीज, और अगर आपको लेजर लाइट वाला शो भी देखना है तो उसका 20 रुपीज से अलग पे करना पड़ेगा आपको, मतलब यहाँ का एंट्री टिकट आपको पड़ेगा 30 रुपीज में। तो बात करें अगर मंडोर की, तो इसका पुराना नाम मांडोपुर था और ये एक समय में मारवाड़ की राजधानी हुआ करता था, पर यहाँ के राजा राव जोधा को ये सुरक्षित ना लगा तो उन्होंने एक नया फोर्ट बनवाया जिसका नाम रखा मेहरानगढ़ फोर्ट, और वो अपने परिवार के साथ वहाँ जाकर रहने लगे। और गाइज यहाँ पर एक टॉय ट्रेन चलती है जिसमें आप जरूर बैठे, क्योंकि इससे आप पूरा गार्डन बहुत आसानी से घूम सकते हैं, आपको कोई एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी देवताओं की साल, जिसमें बहुत सारे भगवान जी एक साथ हैं, मतलब इसको एक पत्थर से ही काट के डिजाइन किया गया है। और यहाँ एक बहुत ही सुंदर सा गणेश जी का मंदिर है, मतलब यहाँ जाना तो आप बिल्कुल मत भूलें, आपको यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। और शाम हो गई है तो यहाँ अभी लेजर शो चल रहा है, ये मैंने अलग से अपलोड कर दिया है, मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप उसे जरूर देखना। तो अभी जोधपुर में शाम हो चुकी है और मुझे पता है आपको भूख लग चुकी है, तो अभी आपको जाना है जिप्सी रेस्टोरेंट, जहाँ आप खाएंगे 500 रुपीज में 36 आइटम्स वाली अनलिमिटेड मारवाड़ी थाली। चलो भाई खाना वाना खा लिया, अब उसे पचाते हैं और हम चलते हैं वापस घंटाघर अपने होटल की ओर, जहाँ हम करेंगे ढेर सारी शॉपिंग। और हाँ, यहाँ बार्गेनिंग करना बिल्कुल ना भूले, यहाँ बहुत बार्गेनिंग चलती है। तो आज हमारा जोधपुर में पहला दिन था जिसमें हम घंटाघर गए, तूर जी का झालरा गए, और उसके बाद मंडोर गार्डन गए, फिर हमने डिनर किया और अब हम सो जाएंगे, फिर हम कल का प्लान करेंगे। सो गाइज गुड मॉर्निंग, और आज है हमारा जोधपुर में सेकेंड डे, तो शुरुआत करेंगे डे की भाटी की चाय से, उसके बाद हम जनता स्वीट होम जाएंगे जहां हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, और हाँ आप इसे स्किप बिल्कुल मत करना। और फिर उसके बाद हम जाएंगे उम्मीद भवन पैलेस। गाइज ये इंडिया का नहीं बल्कि वर्ल्ड के कुछ ब्यूटीफुल पैलेस में से एक है, और राजा की कार का कलेक्शन तो बहुत कमाल का है। अगर आप यहाँ जाना तो राजा की कार्स देखना, ये अभी भी चलती है, कोई फेस्टिवल होता है तो इन्हें निकाला जाता है, बकायदा इनकी सर्विसिंग होती है, राजा ने बड़ा संभाल के रखा है। और गाइज मैं आपको बता दूं, यहाँ प्रियंका चोपड़ा की शादी हुई थी, ये वही खूबसूरत सा पैलेस है, मतलब आपको यहाँ जाकर बहुत अच्छा लगेगा। इसका जो टिकट प्राइस है वो है 60 रुपीज, 20 रुपीज आपको पार्किंग के लिए भी देना पड़ेगा, तो इतने में ये वर्थ है, आप यहाँ जरूर जाइए। इसे घूमने में आपको लगभग 1 घंटा ही लगेगा, फिर आपको यहाँ से सीधे जाना है मेहरानगढ़ फोर्ट, क्योंकि यहाँ आपको घूमने में कम से कम 2.5-3 घंटे लग जाएंगे, और यहाँ अगर तेज धूप हो गई तो आप परेशान हो जाएंगे। और टिकट काउंटर है, बहुत लंबी सी लाइन है, और अब हम अंदर चलेंगे। अगर बात करें इसके एंट्री टिकट की, तो इसका प्राइस है 200 रुपीज पर पर्सन, बट अगर आप स्टूडेंट हैं या आप डिफेंस पर्सन हैं तो आप अपना आईडी कार्ड जरूर लेकर आए, जिससे आपको 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइस हम गेट नंबर 3 से अंदर आए हैं, और अभी हम बहुत ऊंचा है और पूरा पैदल जाना है। तो इस महल में आपको देखने को मिलेगा सीस महल, फूल महल, दौलत खाना और न जाने क्या क्या, ये महल बहुत सुंदर है। फिर आप यहाँ से निकलेंगे तब आप जाएंगे जसवंत थाड़ा, ये जोधपुर का मिनी ताजमहल है, इसे व्हाइट संगमरमर से बनाया गया है और ये बहुत सुंदर लगता है। इसका एंट्री टिकट ओनली 30 रुपीज है, तो अगर आप फोटो खिंचवाने के शौकीन हैं तो आप इस लोकेशन पे एक बार विजिट करिएगा, यहाँ आपको बहुत 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 अच्छा लगेगा, यहाँ फोटोज बहुत अच्छी आती है। तो अभी आप घूम घूम के काफी ज्यादा थक गए हैं, क्योंकि इन दोनों जगह कुछ भी खास खाने को नहीं मिलता है, तो अब आपको जाना है लंच करने, जिसके लिए आप जाएंगे भाटी दाल भाटी। वैसे तो आपको जोधपुर में कई सारी भाटी की दुकानें मिल जाएंगी, पर आपको तार घर वाले ही शॉप पर जाना है, जहां आपको मतलब असली टेस्ट पता चलेगा, ये आग में बाटी को बनाते हैं और इन्हें खाकर बहुत मजा आता है। फिर आप लंच वंच करके आराम से होटल जाइए और थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि शाम को हम चलने वाले हैं कायलाना लेक।
अभी बजे हैं शाम के 3 और हम पहुंच गए हैं कायलाना लेक। मैं आपको बता दूं, यहां आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, कैमल राइडिंग कर सकते हैं, इसके अलावा आप जिप लाइन, बोटिंग, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो कैमल राइडिंग और हॉर्स राइडिंग तो बहुत नॉर्मल चीज है, चलो हम जिप लाइन ट्राई करते हैं। सो गाइज, यहाँ आप 3-4 घंटे आराम से बिताने के बाद आप जाइए किसी भी रेस्टोरेंट जहाँ आपको जो खाना खाना हो आप खा लीजिए। वैसे मैं करूँगी आपको कि आप मारवाड़ी खाना खाइए, राजस्थानी थाली खाइए, या फिर आपने जो पहले खाया है वो आपको पसंद आया हो तो आप रिपीट कर सकते हैं। खैर, इसके बाद आपको जाना है रातानाड़ा वाले गणेश जी मंदिर, क्योंकि जोधपुर आए हैं तो यहाँ से कुछ ले जाए या ना ले जाए पर भगवान जी का आशीर्वाद ले जाना तो बनता है। और ये एक बहुत सुंदर व्यू पॉइंट भी है तो आप इसे मिस मत करिएगा बिल्कुल भी। शॉपिंग करने, सो गाइस, टेंपल से निकल के अब हम आ गए हैं शॉपिंग करने, जिसके लिए हम पहुंच गए हैं नेशनल हैंडलूम। तो चलिए मैं आपको आज नेशनल हैंडलूम भी दिखा देती हूँ। और ये हैंडलूम सर्किट हाउस वाला है, नई सड़क वाला बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ ऑप्शंस कुछ है ही नहीं। तो अगर आपको हैंडलूम से शॉपिंग करनी है तो आपको सर्किट हाउस वाले हैंडलूम में ही करना है। यहाँ आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, मतलब फैमिली के लिए, किसी को गिफ्ट करने के लिए, मेमोरीज के लिए, आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा। तो आप इसे मिस मत करिएगा, आप यहाँ ढेर सारी शॉपिंग करिएगा, उसके बाद अपना बैग पैक करिएगा और जोधपुर को छोड़कर किसी और अच्छी जगह जाइएगा घूमने, क्योंकि जोधपुर में बस इतना ही है। यहाँ की शॉपिंग, खाना, जो प्लेसेस थे हिस्टोरिकल, आप सारे घूम चुके हैं। ओके, बाय गाइज, अपना ध्यान रखिए और जोधपुर आइएगा तो मुझे जरूर बताइएगा, तो मैं भी आपसे मिलने की कोशिश करूंगी। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज यार लाइक वाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो वो भी कर दो और वीडियो को शेयर कर दो। ओके, बाय।